चलिए गुड मॉर्निंग। आज लेक्चर नंबर लास्ट लेक्चर वेक्टर का 16th है, क्लास प्लस 2 है, चैप्टर 12 वेक्टर टॉपिक है क्वेश्चन बेस्ड ऑन एसटीपी। स्केलर डिपेंडेंट तो हमने कल पढ़ लिया था। एसटीपी हम किसको बोलते हैं, ए डॉट बी क्रॉस सी, उसके फॉर्मूले पढ़ लिए थे कल हमने। मेरे ख्याल से भी देख के चल जाएंगे कितने दस्तक करा दिए थे या दे दिए होंगे होमवर्क में, सभी एक जैसे ही चलते होते हैं। मेरे ख्याल से 7 तक कराए थे, 8, 9, 10th में से एक करा देते हैं। चलिए 9th या 10th करा देते हैं। शो दैट 4 पोजीशन वेक्टर दिए हुए हैं, 10th करा रहा हूँ क्योंकि 8, 9, 10th एक जैसे, तो 10th करा। शो दैट 4 पोजीशन वेक्टर जो होंगे, 4 पॉइंट्स हैविंग पोजीशन वेक्टर जो होंगे, पोजीशन वेक्टर ऑफ किसी पॉइंट ए का मान हो, दैट मींस OA 4 पोजीशन वेक्टर दिए पॉइंट पे, 6i -7j पॉइंट बी का मान लो, लेट OB पढ़ लो क्वेश्चन दिया हुआ है सामने लिखा हुआ है, 4 पोजीशन वेक्टर कोप्लेनर होंगे या नहीं होंगे कैसे पता चलता था, याद करो 4 के कल ही कराया पोजीशन वेक्टर सी, दैट मींस OC इक्वल टू 3i -6k एंड पोजीशन वेक्टर पॉइंट डी का, दैट मींस ओडी आएगा 2i +5j +10k। वो कहते हैं नॉट कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट तभी होते हैं 4 पोजीशन वेक्टर OA OB OC ODI कोप्लेनर तभी होंगे इफ, जिनका STP है इफ, जो STP ऑफ वेक्टर्स का होगा AB AB AC AD का 0 होना चाहिए। पर वो कहता है नहीं है कोप्लेनर, नहीं होंगे, आर नॉट कोप्लेनर, तो इसका एसटीपी 0 नहीं होगा। दैट मींस एबी डॉट एसी क्रॉस एडी नॉट इक्वल टू, पहले एबी निकाल लीजिए, एबी निकालोगे फिर इनका एसटीपी आ जाएगा। एबी निकाल लो तो आता होगा, एबी निकालना बहुत पुराना हो गया, एबी ओबी माइनस ओए करके निकाल लो, ओबी कितना है, OA कितना है, 16 में से क्या -19j, -19 +7, 16 में 6 गया 10j, 10 आई आ गया, 19 में से 7 गया -11, 12j -4 के लिए 16 आई, समझ जाओगे 19 प्लस 7 हो गया ना, प्लस 7 तो कितना आ गया, माइनस कर दो, एसी निकाल दो, एसी एसी कैसे निकालोगे, ओसी माइनस ओए करके सीधा कर रहा हूँ, 3i -6j प्लस 3i -3i फिर क्या आ जाएगा, ओसी माइनस ओए प्लस 7j अगला कितना आ जाएगा -6k, फिर निकाल लो एडी, निकाल दो एडी, एडी भी आ जाएगा ओडी माइनस ओए 2i -6i 4i 5j में से 2j गया 12j, फिर क्या आएगा 10k। चलो खुद निकालना है तो आपको आते हैं, दिस माइनस दिस, दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस, चलिए तो अब निकाल दीजिए ए बी डॉट, मुझे बताइए कितना आ रहा है आपका, क्या 0 आ रहा है, नहीं आ रहा है ए बी डॉट, तो कितना आएगा ए बी का 10 -12 -4 -3 7 -6 -4 12 10, ट्राई है बताइए कितना आ रहा है, नॉट इक्वल टू 0, सो नॉन कोप्लेनर, ऐसे कोप्लेनर होने के लिए एसटीपी 0, ना होने के लिए नॉट इक्वल टू 0। 11 भी सेम है, 12 भी सेम है, लैम्डा निकालने 11 12 देखो सारे क्वेश्चन सेम है। 13th है,
कोप्लैनर के लिए उनका एसटीपी क्या होगा? जीरो। नॉन कोप्लैनर के लिए नॉट इक्वल टू जीरो। 13 निकाल लो, ट्राई करना, आंसर आ गया। बता तो चली गया ए बी ए सी ए डी निकाल। ए बी डॉट मेन तो बता ही दिया, ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए डी। 13 कहता है फॉर एनी टू वेक्टर, कोई भी दो वेक्टर है, फॉर एनी टू वेक्टर्स ए कोई भी दो वेक्टर है, प्रूव कर दो ए ए बी इक्वल टू जीरो। वैसे तो पता है जीरो होता है, पर कहता प्रूव करो। दो तरीके प्रूव करने के, मेथड फर्स्ट, जैसे मर्जी करो। लेट ए इक्वल टू, दो मेथड है, देख लो कैसे प्रूव करोगे। लेट सॉल्यूशन शुरू हो गया। एक तो देसी तरीका है, ए वन आई मान लो, ए टू जे मान लो, ए थ्री के मान लो, ये मुझे प्रूव करना। एंड बी को क्या मान लो, ए टू जे, बी को क्या करना है, बी वन आई, बी टू जे। देयरफॉर जो लेफ्ट हैंड साइड होगी ऑफ वन की वो क्या होगी, ए ए बी इक्वल्स टू। ए के कंपोनेंट क्या आएंगे, ए वन ए टू ए थ्री, ए के ए वन ए टू ए थ्री, बी के बी वन बी टू। वैसे तो प्रॉपर्टी होती है, पर ये प्रूव करने तो प्रूव कर देते हैं। इसको एक्सपेंड कर दो बाय रोवंस, करा दो। एक मेथड तो ये देसी तरीका, जैसे एक्सपेंड कराओगे कट जाएंगे। कैसे, अब सीधा ही करा, कितना आएगा, ए वन ए टू बी थ्री बी टू ए थ्री माइनस ए टू, ए वन बी थ्री बी वन ए थ्री प्लस ए थ्री। कर दीजिए वैल्यू पुट, कट जाएंगे, कितना आ गया सी। या एक और मेथड है, और मेथड नंबर टू, कौन सा मेथड नंबर टू, चलिए ये दिया हुआ है ए ए बी, देखो ये क्या दिया हुआ है, मेथड नंबर टू ए ए बी दिया हुआ है, लेफ्ट हैंड साइड और ऑफ इसकी, इसका साइक्लिक ऑर्डर बना दो। ये सब ए सेम होंगे, ए बी ए बी ए बी ए सेम होंगे। सोचो मुझे प्रूव करना है, समझो जरा। मैंने इसकी लेफ्ट हैंड साइड उठा ली, ए ए बी इक्वल टू जीरो प्रूव करना है। मैंने अगेन उठा ली लेफ्ट हैंड साइड मेथड टू के लिए, मेरे पास ये आ गई ए ए बी। इसको साइक्लिक ऑर्डर से चेंज कर दो, साइक्लिक ऑर्डर में कोई फर्क नहीं पड़ता। या आपको साइक्लिक ऑर्डर बताया था क्या, ए बी सी बी ए सी और क्या होता है सी ए बी, एक ही बात है। तो ए बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, ए बी ए, सोचो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बी ए बी। अब बाय डेफिनेशन लगा दो, ये क्या आ जाएगा, बी डॉट ए क्रॉस ए क्या होता है, सोचना आराम से, जीरो, बिकॉज थीटा जीरो होता था। आप अपने नोट्स खोल के देखो 13.6 में, बिकॉज थीटा इक्वल टू क्या होता था, बिकॉज थीटा क्या होता था, जीरो। तो ये क्या आ जाएगा, बी डॉट जीरो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ऐसे करना, ऐसे करो अगर समझो। सोचना आपका काम है, कराना मेरा काम है। 14, 15 सेम, बस एक्सरसाइज करूँगा, ये तो पिछले एक्सरसाइज में आ चुका हूँ, इससे कर लेना नहीं समझ आता। ये मैंने तभी दोनों मेथड कर, ये साइक्लिक ऑर्डर चेंज किया, अगर समझ आ गई तो। साइक्लिक ऑर्डर इसका ऐसे घूमेगा, ए के बाद फिर ए फिर बी है, तो ए ए बी फिर ए बी ए फिर बी ए, जहाँ बी ए हमारा हो गया ना, वहाँ डेफिनेशन लगा देना, बी डॉट ए क्रॉस ए जीरो होता है, पढ़ लेना। 14 और 15 सेम है, तो 14 मैं करा रहा हूँ, 15 तुम अभी कोई अभी खुद ट्राई करना। 14 है, कहता है प्रूव दैट, चलो पहले 15 करा दूँ, 14 तुम ट्राई करना तो मैं ही करा दूँगा। 15 है, तीन वेक्टर दे रखे हैं, द वेक्टर बी प्रूव करो, वेक्टर का कोप्लैनर प्रूव करो, वेक्टर बी सी प्लस ए, ए प्लस बी प्लस सी आर कोप्लैनर, ये प्रूव करो। बताओ कब कोप्लैनर होंगे, जब इनका एसटीपी क्या हो जाएगा,
सॉल्यूशन। थ्री वेक्टर्स, आर घूमने कभी होंगे, अगर इनका एसटीपी क्या हो जाएगा, इनका एसटीपी स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट होगा, क्या आएगा, बी सी प्लस ए प्लस बी प्लस सी, बाय प्रॉपर्टी से एक टाइम एक तोड़ लो, जो प्रॉपर्टी लिखवाई है वो यूज करो, प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया पढ़ जाओ, प्रॉपर्टी में क्या लिखवाया हो देखो, बी सी इसके दो टुकड़े कर दो, समझे हो, चलो क्या आएगा, बी सी ए प्लस बी प्लस सी प्लस बी ए ए प्लस बी प्लस सी, इसके भी तीन टुकड़े कर दो तो क्या आ जाएगा, बी सी ए प्लस बी सी बी, बी सी ए बी सी बी प्लस बी सी सी प्लस, इसके भी तीन टुकड़े कर दो क्या आएगा, बताओ, बी ए ए प्लस बी ए बी ए बी, सोचो, और लास्ट आएगा बी ए सी, समझ गए हो, पहले इसको दो को तोड़ा है, क्या सी इधर लिख दिया और ए इधर लिख दिया, बाकी कुछ नहीं छोड़ा, फिर अब हमने इन तीनों को तोड़ा आगे बढ़े सर, ए इधर बी इधर सी इधर, ऐसे अगले भी तोड़ दिए, ये तो साफ दिख रहा है दोनों सेम है, ये भी जीरो आ जाएगा, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, बचा कौन सा पहला लास्ट, तो क्या बच गया, बी सी ए प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो प्लस जीरो बी ए सी, ये बच गया, अब इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करा दो, जैसे इंटरचेंज कराओगे बाय प्रॉपर्टी से तो वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव बी ए सी प्लस, लास्ट में कितना दिया हुआ है, बी ए सी, तो क्या आ जाएगा, सिक्सटीन करो एक क्वेश्चन ना, फोर्टीन करो, सिक्सटीन तो पिछले एक्साइड जैसे ये कोप्लेनर शो करना है, फिफ्टीन है, फोर्टीन होता है, शो दैट फॉर एनी थ्री वेक्टर प्रूव करो आर कोप्लेनर, इस बार कौन कौन से दे रखे हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, माइनस में दे रखे हैं ध्यान से करना, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, आपको ये शो कराओ, जरा शो कराओ, जरा खत्म कराओ, तीन वेक्टर कब कोप्लेनर होते हैं, जब उनका एसटीपी क्या होगा, थ्री वेक्टर्स कौन कौन से बोल रखे हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी, एस टी पी क्या आ जाएगा, जीरो, एस टी पी निकालो, निकालो इसका एस टी पी, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस सी, निकालो इसको, ब्रेक करो, एक टाइम में एक ही ब्रेक करना, एक से ज्यादा नहीं, एक टाइम में एक ब्रेक होता था, याद करो और कॉलम उस प्रॉपर्टी को सोच के, एक टाइम में एक के दो टुकड़े करो, ये आ जाएगा क्या बोला, ए बी माइनस सी सी माइनस ए प्लस, अगला क्या आ जाएगा, माइनस है बीच में तो माइनस लगा दो, बी फिर क्या आ जाएगा, बी माइनस सी फिर क्या आ जाएगा, सी माइनस, अभी फिलहाल मैंने इसको तोड़ा तो दो बन गए, ए के साथ एक बी के साथ, बाकी कुछ नहीं छोड़ा, अब इसके भी दो बनेंगे, इसके भी दो, टोटल चार हो जाएंगे, सोचो कौन कौन से हो जाएंगे, ए बी सी माइनस ए, माइनस है बीच में तो माइनस लिख दिया, सी माइनस ए, बाहर माइनस है और बाहर माइनस लिख दिया, इसके भी दो टोटे टोटे करो, टोटे कर दो, बी बी सी माइनस ए, माइनस है बीच, माइनस है माइनस, बी सी सी माइनस ऐसे, क्या आएगा, बी को इधर रख लो और सी को इधर रख लो,
दोबारा देख लो, ए माइनस बी, बी माइनस ए, सी माइनस ए, टुकड़े कर, एक ए अलग बी अलग, बी से माइनस था माइनस अलग, फिर इसके टुकड़े अलग किया ए बी, माइनस था तो माइनस, सी अलग कर दिया सी माइनस ए, फिर अगला भी किया बी माइनस बार था पूरा बी बी सी माइनस ए, फिर बी सी, बी सी बनेगा देखो, बी सी सी माइनस ए, अब माइनस खोल देता हूँ, चलिए ये क्या आएगा, एक स्टेप अगला खोल लूंगा बस, अगला खुद को लेना आ जाएगा ए सी सी माइनस, माइनस खोल देता हूँ बी बी, क्या आ जाएगा सी माइनस ए, प्लस हो जाएगा प्लस माइनस, बी सी सी माइनस ए, ये तो जीरो हो गया, इसको तो सोचने की जरूरत भी नहीं है, जीरो बाकी तोड़ लो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, फिर इसके दो, जो इसके दो आएंगे वो क्या आएंगे बता देता हूँ, ए बी सी, ए बी माइनस ए सी सी माइनस ए सी, ये तो हो गया सारा जीरो, प्लस बी सी सी, बी सी कर लीजिए, जो जीरो होते हैं सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, सोचो इसी को सबसे ऊपर लिख रहा हूँ, कितना बनेगा बताओ, पहले वाला ए बी सी, अगले वाला देखो ए बी ए जीरो गया, अगले वाला देखो ए सी ए जीरो गया, माइनस माइनस प्लस, ये भी ए बन में ए सी सी है, सॉरी सी सी, ए सी ए ये बन गया, अगले वाला देखो जीरो है तो बी सी सी ये भी जीरो है, और लास्ट वाला देखो माइनस बी सी ए ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, बचा कौन सा पहला और लास्ट ए बी सी, और लास्ट में कौन सा बच गया बी सी ए, अब इंटरचेंज करा दो, क्या बोला ए को बी, बी को सी, सी को ए में, जैसे इंटरचेंज इसको चेंज कराऊंगे, इसको आप देख लो, इसको इंटरचेंज करा लो, ए तीसरे पॉइंट पे चाहिए, सी इधर आ जाएगा, बाहर क्या आ जाएगा माइनस, सोच लो जैसे इसको इंटरचेंज कराऊंगा तो इधर चला जाएगा सी बी ए आ गया बाहर माइनस बी सी ए, फिर इन दोनों को भी दोबारा इंटरचेंज करा दो तो क्या हो गया प्लस बी सी ए माइनस बी सी ए, कट के क्या आ जाएगा सी, दैट्स ऑल, ये चीज है, चलो करो, कोई डाउट होगा तो बोलना, ओके okay.